आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। देखिए, इसके पहले प्रोटिस्टा के वर्गीकरण में हम लोग देखे थे कि थ्री ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, स्वपोषी प्रोटिस्ट जिसमें डायनोफ्लैजेलेट, डायटम्स और यूग्लिनोफाइटा। इन तीनों को आई होप आपने पढ़ लिया हो, लिख लिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड को छोड़ देना है आपको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे इन चारों को एक एक करके। ये चारों क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूफ्लैजेलेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ, इन्हीं को ही प्रोटोजोआ बोला जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका प्रोटोजोआ का अर्थ बताया हुआ है कि प्रोटोस, ये क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी कि प्रोटोजोअन क्या है, फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म थे, क्या है, जंतुओं के समान इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव थे, ठीक है। इसीलिए इनका, इसका नाम क्या रखा गया है, प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक है। इनकी 50,000 से अधिक जातियाँ या फिर पाई जा रही हैं। लक्षण की दृष्टि से ये क्या है, प्राथमिक जंतु माने जाते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। तो चलिए अब इनके क्या हैं लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। तो लक्षण में इस समूह के जीव क्या रहता है, सूक्ष्मदर्शी। प्रोटोजोआ क्या हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, एक कोशिकीय होते हैं और क्या हैं, एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय होते हैं। यहाँ पर जैसे एक कोशिकीय, ये तो समझ रहे हैं कि एक कोशिका वाले होंगे, संरचना वाले, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या रहते हैं, एक केंद्रकीय रहते हैं। अब जिसमें एक केंद्रक रहता है उसको एक केंद्रकीय बोला जाता है, और जिसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं उनको बोला जाता है बहुकेंद्रकीय, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है, विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर ये निर्भर रहते हैं। इनमें स्वपोषण के लिए, मतलब स्वपोषण की जो विधि है वो नहीं पाई जाती। अगला हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या फिर क्या रहते हैं, सामुदायिक कॉलोनी बनाकर, कॉलोनियल। जैसे कि कुछ जीव क्या रहते हैं, आपस में मतलब एक जगह ग्रुप में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। कॉलोनी किसे बोला जाता है, कॉलोनी में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे घर रहते हैं, है ना, उनको एक क्या है, कॉलोनी का नाम दे दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जहाँ पर भी वर्ड आता है कॉलोनियल, कॉलोनी इस तरीके से, तो चाहे वो यहाँ पर क्या है, जीवों के लिए यूज़ किया जाता है, किया जा रहा है, तो यहाँ पर जीव भी क्या है, ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। अगला क्या है, स्वतंत्र जीवी के रूप में ये स्वच्छ तथा लवणीय जल या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कशाभिका, सिलिया या कूटपात के द्वारा प्रचलन करते हैं या अचल होते हैं। मतलब अगर उनमें प्रचलन अंग पाया जा रहा है तो उनमें क्या होगा, कशाभिका हो सकता है, सिलिया हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कूटपात हो सकता है, इनके द्वारा ये प्रचलन कर सकते हैं, या फिर वो उनमें प्रचलन अंग पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये जंतु सम क्या है, पोषण विधि पाया जाता है, यानी कि देखिए अगला क्या है लक्षण, इसमें सममिति का अभाव होता है। ये गोलाकार, अंडाकार, लंबवत या फिर अनियमित आकार के हो सकते हैं। अगला दिया है इनमें प्रोटोजोआ समुदाय के जीव क्या होते हैं, किस द्वारा प्रजनन करते हैं। यहाँ पर कलिकायन दिया है, द्विविखंडन, बहुविखंडन या बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें कभी कभी क्या है, संयुग्मन, जो कि लैंगिक विधि है, ठीक है, प्रजनन की लैंगिक विधि है, संयुग्मन द्वारा भी प्रजनन क्रिया करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, अब लैंगिक विधि है तो इसमें क्या होगा, एक नर और एक मादा युग्मक आपस में संयोग करके, संयुग्मन करके क्या बनाएंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, इस तरीके से होता है। उसके बाद क्या दिया है, कुछ प्रोटोजोआ कोशिकाएं नग्न होती हैं, जिनके चारों ओर क्या है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इनका जीव द्रव्य दो स्तरों बाहर की तरफ गाढ़े, जिसको एक्टोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है कोशिका द्रव्य, उनको गाढ़ा होने की वजह से क्या है, बाहर वाले को क्या बोला जाता है, एक्टो, एक्टो यानी कि बाहर, एक्टोप्लाज्म बोला जाता है, और अंदर की ओर जो पाया जाएगा उसको क्या बोला जाता है, एंडो, एंडो यानी कि अंदर, एक्टो यानी बाहर और एंडो यानी कि
अंदर, इसलिए इसको एक्टोप्लाज्मा और इसको एंडोप्लाज्मा बोला जाता है। लेकिन ये क्या रहेंगे, जीवद्रव्य ही रहेंगे। तो चलिए अब जो प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है उसका वर्गीकरण भी देख लेते हैं। तो वर्गीकरण में चार थे। सबसे पहले में था जूफ्लैजिलेट। जूफ्लैजिलेट को चलिए हम लोग देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर इनका भी कैरेक्टर दिया हुआ है। कैरेक्टर में क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनके लक्षण दिए हुए हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, इनमें एक या अधिक कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें विषमपोषी जो पोषण विधि है वो पाया जाता है, या फिर भक्षण क्रिया के द्वारा भी ये पोषण को ग्रहण करते हैं। अगला क्या देखा, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है और विखंडन विधि से होता है, लेकिन विखंडन के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लंबवत विखंडन विधि के द्वारा क्या है, इसमें अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। इनका आकार क्या है, हमेशा स्थिर होता है। इनकी आकृति हमेशा निश्चित होती है। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ जीव क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको याद रखना है आपको, जो परजीवी जीव हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रिपैनोसोमा है, लिस्मानिया है, जियार्डिया है। तो चलिए इसका एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, और ये बीमारी किस तरीके की होती है, क्या लक्षण है, इस तरीके से चलिए देख लेते हैं इसको। तो ट्रिपैनोसोमा ये क्या है, एक जूफ्लैजिलेट परजीवी है, देख सकते हैं हम लोग जूफ्लैजिलेट पर रहे। तो ये क्या है, इसके द्वारा ट्रिपैनोसोमा जो क्या रहता है, ये जो परजीवी है, ठीक है, जो जूफ्लैजिलेट है, ये कशेरुकियों के कहाँ पाया जाता है, उनके ब्लड में और आहार नाल में पाया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए ट्रिपैनोसोमा क्या है, उनकी बॉडी में चला जाता है किसी भी इंसान के, तो उनके ब्लड में रहता है या फिर उनके आहार नाल में ये रहता है। और किस तरीके से ये अपना बीमारी जो फैलाता है देखते हैं। तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका जो होता है वहाँ पर ये फैलाता है। मतलब इस परजीवी के संक्रमण से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। निद्रा यानी कि सोते रहना, सोना। तो निद्रा रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा क्या है, गैम्बियंस से ही होता है। ये जो रोग है इसका पूरा नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस प्रजाति है इसकी, से ही निद्रा रोग होता है। अब इसका वाहक, ठीक है, वाहक कौन होता है, टीसीटीसी मक्खी। इसी मक्खी के द्वारा ही क्या है, ये ट्रिपैनोसोमा क्या बोलना चाहिए, मतलब मक्खी किस तरीके से फैलाता है ये तो जानते हो ना आप लोग। मतलब ये क्या है, किसी भोजन में बैठ जाएगा, किसी वस्तु पर बैठ जाएगा, मतलब खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाएगा, जिससे ये क्या है, ट्रिपैनोसोमा हमारी बॉडी में चला जाएगा। और बॉडी में जाने के बाद हमारे ब्लड और आहार नाल में रहकर हमसे हमें किस चीज़ से संक्रमित कर देगा, निद्रा रोग से, जिससे क्या है होता है कि रोगी हमेशा सोता रहता है। अधिकांश जो टाइम रहता है, अधिकांश जो वक्त रहता है, उसमें जो रोगी व्यक्ति रहेगा वो सोता ही रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा निद्रा रोग होता है और इसका वाहक कौन होता है, टीसीटीसी मक्खी। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्या है, लिश्मानिया। तो लिश्मानिया में क्या है, ये कशाभिका फ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि इसमें प्रचलन मतलब प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं, जो कि मनुष्यों में काला जार, ठीक है, काला जार या फिर डुमडुम रोग उत्पन्न करता है। ये दोनों रोगों का नाम है, काला जार और डुमडुम। और यह परजीवी कशेरुकियों के रुधिर और कीट वर्ग के आहार नाल में पाया जाता है। प्लीहा का बढ़ जाना काला जार का क्या है, मुख्य लक्षण है। प्लीहा जो कि स्टमक के नीचे, मतलब सॉरी स्टमक के बगल में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लिश्मानिया का भी संक्रमण किसके द्वारा होता है, सैंड मक्खी के द्वारा, सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई के द्वारा ही ये फैलता है। तो इस तरीके से इसका भी याद रखना है। अगला लास्ट बच गया जियार्डिया। तो जियार्डिया ये मनुष्य के आँत में पाया जाने वाला क्या है, परजीवी होता है। कुछ फ्लैजिलेट क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, यानी कि जियार्डिया के अंतर्गत आने वाले क्या हैं, कुछ फ्लैजिलेट सहजीवी भी होते हैं, जैसे कि ट्राइकोनिम। तो ट्राइकोनिम ये क्या है, कुछ कीटों जैसे कि दीमक, दीमक की आहार नाल में क्या है, रहते हैं
मतलब सहजीवी जीवन जीते हैं। ठीक है, सहजीवी जीवन में किस तरीके से सेल्युलेस एंजाइम पैदा करके कीटों को पाचन में सहायता करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, जो दिमाग है उसको फायदा हो रहा है। इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, आवास तथा भोजन प्राप्त होता है। किसे, ट्राइकोनिम को। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सहजीवी जीवन हुआ। ऐसा देखा गया है कि कुछ रसायनों का प्रयोग करके युग्लेना के समान क्या है, स्वपोषी प्रोटिस्ट को स्थायी रूप से विषम पोषी जूफ्लैजलेट में बदला जा सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग जो अभी तीन पढ़े हैं, ट्राइकोनिम, लिस्मानिया और जियार्डिया, इन सभी के डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। जो ए है ये किसका है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। सेकंड में क्या है, लिस्मानिया। लिस्मानिया का डायग्राम इस तरीके से है। और जियार्डिया, ये है जियार्डिया। जिनके पास नया बुक नहीं है वो यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं जो वीडियो है, या फिर मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ठीक है, जिनके पास नया बुक नहीं है वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको सेंड कर दूँगी। ठीक है, सेकंड इसका देखते हैं, सार्कोडाइंस। सार्कोडाइंस के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा। तो अमीबा क्या है, इसमें प्रचलन तथा भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको, कूटपाद। कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया। कूटपाद एक प्रकार से क्या है, शरीर की अतिवृद्धियाँ होती हैं। ठीक है, अतिवृद्धियाँ इस तरीके से ये समझ रहे हो आप लोग। आकार में ये क्या, परिवर्तनशील होता है। इसके शरीर में पेलिकल का आवरण नहीं पाया जाता है, समुद्र जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सार्कोडाइन क्या है, परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में, और एंटमीबा जिंजवेलिस जो होता है ये मसूड़ों में पाए जाते हैं। जो कि क्रमशः क्या है, अगर आंत में पाया जा रहा है जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है, पेचिश रोग पैदा करता है। और एंटमीबा जो जिंजवेलिस होता है ये पायरिया, मसूड़ों में पाया जाने के कारण ये पायरिया रोग पैदा करता है। तो इसमें सार्कोडाइंस में आप लोग इतना ही जानिए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है थर्ड में, स्पोरोजोअंस या परजीवी प्रोटोजोआ। ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ये परजीवी होने के कारण क्या है, सरल संरचना वाले होते हैं। चलिए इनका लक्षण हम लोग देख लेते हैं। ये कि ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम, जी हाँ, ये वही प्लाज्मोडियम होते हैं जो कि मलेरिया बीमारी फैलाते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से रहता है उसका चित्र। इसकी जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मलेरिया बीमारी फैलाते हैं। उसके पहले हम लोग इनका देख लेते हैं लक्षण। तो क्या है, इनमें चलन अंग या कुंचनशील रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि ये अचल होते हैं। इनमें क्या है, चलने के लिए अंग और कुंचनशील क्या है, रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। कायिक अवस्था में ही अमीबा के समान ये दिखाई देते हैं, यानी कि जब ये इमैच्योर रहते हैं, अपरिपक्व, तब ये क्या रहेंगे, अमीबा के समान अनियमित आकृति होती है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे क्या है, मैच्योर होते जाते हैं, तो उनका इस तरीके से कुछ आकृति होता है लंबा। इनके शरीर के चारों ओर क्या है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। आप लोग देख सकते हो ये पेलिकल, ये बाहरी स्तर जो है इसका क्या है, पेलिकल का आवरण जो अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण यानी कि ये क्या है, लैंगिक विधि होता है इनमें, जो प्रजनन क्रिया होती है लैंगिक विधि होती है, इसी कारण इनमें क्या है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी कि क्या बोलना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो युग्मकों का स्थानांतरण है, सॉरी, जो आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण है वो होता है, उसी को ही पीढ़ी एकांतरण बोला जाता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, सिनगेमी द्वारा होता है। इनमें स्पोर भी बनते हैं, इसलिए इन्हें स्पोरोजोअंस कहा जाता है। इनमें प्रजनन क्या है, सिनगेमी द्वारा होता है। सिनगेमी यानी कि निषेचन एक तरीके से, फ्यूज़न। ठीक है, या फिर जो नर और मादा युग्मक होते हैं तो उनके मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, उनके फ्यूज होने की क्रिया ही सिनगेमी कहलाती है, जो कि लैंगिक प्रजनन में होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोजोअंस बोला जाता है। इनमें विषम पोषी होते हैं, एक पोषक अथवा दो पोषक पर ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। पक्षियों तथा मनुष्यों में ये कई रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं,
रोग उत्पन्न करने वाले, घातक रोग उत्पन्न करने वाले ये परजीवी होते हैं। उदाहरण में क्या क्या दिया है देख सकते हो, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, ग्रीगेरिना, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर फोकस करना है आपको प्लाज्मोडियम पर, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में ये पूछता ही है, ठीक है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में चलिए हम लोग देखते हैं उसका किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसकी थ्योरी में थोड़ा शॉर्टकट लिया है, ये डायग्राम से सेम टू सेम मैच नहीं करता है, तो आप लोग चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर जैसे मैं डायग्राम में बताऊंगी उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड क्या है ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है उसका प्राथमिक पोषक कौन होता है, मनुष्य। मतलब यह है कि जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है इसके दो पोषक होते हैं, एक तो मनुष्य और दूसरा मॉस्किटो, मच्छर, ठीक है। लेकिन प्राथमिक पोषक कौन होता है, मनुष्य, और द्वितीयक पोषक कौन होता है, मच्छर। मतलब अपना आधा लाइफ जो है वो कहाँ जीता है, मनुष्य के शरीर में, और आधा लाइफ मच्छर के शरीर में वो अपना जीवन जीता है। तो इस तरीके से दो पोषक के में ही इसका जो जीवन है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में इसकी अमीबॉइड संरचना मतलब अवस्था पाई जाती है। अमीबॉइड संरचना या फिर अवस्था जो है, यानी कि इसकी जो संरचना है वो किस तरीके से होती है, अमीबा के समान अनियमित आकृति होती है, किसकी, प्लाज्मोडियम की, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक पोषक मनुष्य है, जिसकी यानी कि मनुष्य के ब्लड में क्या पाए जा रहे हैं, इसकी अमीबॉइड अवस्था पाई जाती है, यानी कि यह मनुष्य कैसा है, मलेरिया रोग से यह संक्रमित हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, यह स्वस्थ मनुष्य नहीं है। अब उसकी ब्लड में अमीबॉइड संरचना पाई जा रही है, मतलब वो संक्रमित है। तो अब संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है उसको देखते हैं। तो अब ये इसकी संरचना पाई जा रही है, जिसको ये जो अमीबॉइड अवस्था है, मतलब जैसे ही वो संक्रमित होता है व्यक्ति, तो उसमें मच्छर के द्वारा जब वो क्या है पिंच किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या इंटर कर जाते हैं मनुष्य के बॉडी में, स्पोरोजॉइट बोला जाता है उसको, स्पोरोजॉइट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये है क्या, स्पोरोजॉइट, यही सबसे पहले मनुष्य के शरीर में जाते हैं। तो चलिए, इस अवस्था में यह अगुणित संरचना गैमिटोसाइट पैदा करते हैं, गैमिटोसाइट यानी कि गैमिट यानी कि युग्मक, युग्मकों का निर्माण करते हैं, किस विधि के द्वारा, लैंगिक प्रजनन विधि के द्वारा। अगुणित रचना यानी कि एकदम टू शॉर्ट ले लिया है यहाँ पर, अमीबॉइड संरचना पाई जाती है, ठीक है, ये क्या है, अपरिपक्व रहते हैं, ये पूरी तरीके से अपरिपक्व होते हैं, साथ ही साथ अब मैच्योर होकर ये क्या करता है, लैंगिक विधि के द्वारा अगुणित संरचना गैमिटोसाइट का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। जब मादा मच्छर मनुष्य का क्या है, रुधिर चूसती है, तो जब एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड क्या है, एक मच्छर फीमेल एनाफिनिस मॉस्किटो जिसको बोला जाता है, ठीक है, जब सक करती है उसके ब्लड को, तो वही गैमिटोसाइट, ठीक है, गैमिटोसाइट जिसमें क्या है मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल गैमिट हैं, तो वो गैमिट क्या है, उस ब्लड के साथ साथ जो मच्छर का स्टमक है, आमाशय है, वहाँ पहुँच जाता है। ये कहाँ थे, ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, मनुष्य के रुधिर में था ये गैमिटोसाइट, मेल और फीमेल गैमिट, जो कि मच्छर के ब्लड सक करने से मच्छर के कहाँ पहुँच गए, ब्लड के साथ वो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टमक में, ठीक है, मच्छर के स्टमक में पहुँच गए, ये याद रखना है। और स्टमक में ही विकसित होकर युग्मक, युग्मक क्या करता है, ये युग्मन सॉरी विकसित होकर युग्मक बनाता है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहीं पर ही विकसित होकर जो है इस तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये विकसित होते हैं, अगला में लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, ठीक है, जो आमाशय की दीवार में क्या है, अब युग्मनज
आमाशय की दीवार में क्या है, सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो जाता है और यही सिस्ट अंकुरित होकर क्या विशेष संरचना स्पोरोजॉइड बनाते हैं। ठीक है, स्पोरोजॉइड बनाते हैं तब यही मच्छर क्या है, मतलब स्पोरोजॉइड अब बन तो गए हैं तो ये स्पोरोजॉइड कहाँ एकत्र होते जाते हैं, मच्छर के लार में, मच्छर के लार में एकत्रित होते, जो लार ग्रंथि होती है वहाँ पर ये एकत्रित होते जाते हैं। तो जब देखिए अब कोई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चूसती है, ठीक है, चूसती है तो सबसे पहले क्या करती है कि उसके जो लार ग्रंथि में, ठीक है, लार यानी कि सलाइवा, उसके सलाइवा में क्या रहते हैं, स्पोरोजॉइट रहते हैं, स्पोरोजॉइट को क्या है ह्यूमन ब्लड में वो डाल देता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में डाल देता है, जिसकी वजह देख यहाँ पर देख सकते हो चूसती है तो स्पोरोजॉइट क्या है मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं और अमीबॉइड कायिक रचना में विकसित हो जाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं में इनका बार बार क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि बार बार क्या होता है, बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन के द्वारा क्या है, अब देखिए बार बार ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं जिससे क्या है ज्वर, मलेरिया ज्वर बार बार आता है और मनुष्य को तेज ज्वर के साथ साथ कपकपी भी आती है। तो यहाँ पर देखिए जब वो बहुविखंडन करते रहते हैं तो एक केमिकल पदार्थ रिलीज करते हों, उस केमिकल का नाम होता है हीमोजोइन, ठीक है, क्या है हीमोजोइन, हीमोजोइन नामक एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं तो उसी की वजह से ही क्या है मलेरिया में ही बार बार बुखार आता है और साथ ही साथ उसको क्या है सीवरिंग भी होती है। तो चलिए इसको डायग्राम के साथ भी समझ लेते हैं।